अब हम बात करते हैं लूपिंग स्ट्रक्चर पे। लूपिंग एक किस्म का स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है जो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करता है। इसको आइटरेटिव या रिपीटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं। लूप्स को यूज करने के बहुत से पर्पज हो सकते हैं, लेकिन बेसिक जो पर्पज हैं वो दो ही हैं। किसी स्टेटमेंट को या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करवाने के लिए लूप्स को यूज किया जाता है। जस्ट लाइक दैट, आप अपने नाम स्क्रीन पर 10 दफा प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं तो आप लूप्स को यूज कर सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को यूज करने के लिए हम लूप्स को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट हम व्हाइल लूप को समझते हैं। C++ लैंग्वेज का सिंपलेस्ट लूप है ये। ये लूप तब तक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है जब तक कंडीशन ट्रू आती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है ये एग्जीक्यूट नहीं करता। तो चलिए अब इस लूप की कोडिंग करते हैं ताकि आप इसको बेटर में समझ सकें। तो सबसे पहले हम ऊपर लिख लेते हैं कि हम कौन सा लूप यूज करने लगे हैं। व्हाइल लूप, एक हम वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं ए के नाम से और उसको इनिशियलाइज करते हैं 1 के साथ। इनिशियलाइजेशन, उसके बाद व्हाइल लिखते हैं। इसके अंदर हमारी कंडीशन आती है। अब लेट्स सपोज मैंने अपना नाम प्रिंट आउट करना है 5 दफा, तो मैं इज लेस देन इक्वल टू 5 लिखता हूं। तो आगे हम लिख देते हैं, कमेंट कर देते हैं, ये हमारी हो गई कंडीशन। उसके बाद हमारी लूप की बॉडी, और इसके अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी होता है। हम सिंपल सी और कर देते हैं शाज़िम अली, और हम इधर इंक्रीमेंट कर देते हैं ए के अंदर। इधर हमारा आ जाता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये इसका सिंटैक्स है। इनिशियलाइज पहले होता है, उसके बाद कंडीशन आती है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने एक सिंपल लूप चलाना है ताकि स्क्रीन के ऊपर मेरा 5 दफा नाम प्रिंट आउट हो जाए, तो वो मेरा प्रोग्राम बन गया। अब मैं F11 प्रेस करता हूं ताकि ये रन हो और एग्जीक्यूट हो। तो सिंपल देखें, 5 दफा मेरा नाम प्रिंट आउट हो गया। अब इसकी वर्किंग को समझते हैं कि इसने वर्क कैसे किया। तो अब समझे, मैंने इनिशियलाइज करवाया विद 1। जैसे ही 1 हुआ तो अब इधर समझें ए की वैल्यू इस टाइम 1 है, इज लेस देन इक्वल टू 5। तो ये देखें, ये स्टेटमेंट कौन सी है, ये कंडीशन ट्रू है। 1 लेस देन ही होता है 5 से। जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई है, पॉइंटर इसके अंदर आ गया, उसने इस स्टेटमेंट को सिंपली एग्जीक्यूट कर दिया, शाज़िम अली प्रिंट आउट कर दिया। और उसके बाद नीचे देखें, ये ए का मैंने इंक्रीमेंट किया है। अब ए की वैल्यू 1 की जगह 2 आ गई है। इधर जो स्टोर हो गई है वैल्यू, वो 2 हो गई है। जैसे ही वो दोबारा इधर आया, अब ए की 1 की जगह अब 2 है। तो अब अगेन ये कंडीशन ट्रू है, अगेन वो इस लूप के अंदर आएगा और अगेन ये नाम प्रिंट आउट कर देगा जो भी स्टेटमेंट है। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट हुआ, अगेन अब 2 की जगह इधर 3 स्टोर हो गया, अब इधर 2 की जगह 3 आएगा। तो अगेन ये कंडीशन ट्रू है, अगेन आएगा और प्रिंट आउट कर देगा। अगेन उसने इंक्रीमेंट किया, अब इसके अंदर 4 स्टोर हो गया, अब इधर कंडीशन के अंदर लेट्स सपोज 4 आ गया, तो ये अगेन कंडीशन ट्रू है और अगेन इसने प्रिंट आउट कर दिया। अगेन इसने इंक्रीमेंट किया और अब इधर 4 की जगह 5 आ गया और ये कंडीशन अगेन ट्रू है और इसने 5वीं दफा भी मेरा नाम प्रिंट आउट कर दिया। और देन जब इंक्रीमेंट हुआ, अब 5 की जगह 6 आ गया, इसके अंदर स्टोर हो गया, अब इसके अंदर भी 6 आएगा। जैसे ही 6 आएगा, और ये देखें, ये कंडीशन ट्रू नहीं है। जैसे ही कंडीशन ट्रू नहीं है, वो लूप के अंदर नहीं आएगा और सिंपली ये देखें रिटर्न 0 है, वो टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देगा।
इस तरह ये वर्किंग कर रहा है। अब मैं अगेन F11 प्रेस करता हूँ तो ये देखें 5 दफा मेरा नाम प्रिंट आउट हो गया। अगर मैं 10 लिखता तो 10 दफा होता प्रिंट आउट। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है या ये वीडियो आपको सीखने लायक लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आपको मेरे साथ कॉन्टैक्ट करने के सोशल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।